ऐसी चीज है जिसका चाय हर कोई पीना चाहता है, लेकिन क्या ये टेस्ट ही चाय का बढ़ाता है या इसके कुछ बहुत सारे गुण भी हैं? क्या है? जो आयुर्वेद में जो है ना, अदरक का बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तरह से ब्लड थिनर भी है। जाड़े में इसका प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि ब्लड को पतला भी रखता है, कार्डियक अरेस्ट से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, और सर्दी खांसी से बचाता है, जनरल वायरल फ्लू से बचाता है। तो इसको चाय के साथ हम स्वाद के रूप में तो लेते हैं, इस स्वाद में बढ़ोतरी हो जाती है चाय के, लेकिन उसके गुण में भी बढ़ोतरी हो जाती है। चाय का जो दुष्प्रभाव है उसको भी कम कर देता है, और अदरक का यदि आप रेगुलर प्रयोग करते हैं तो उससे पाइल्स होने की भी समस्या हो सकती है। तो सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, और जिनको पाइल्स की समस्या नहीं है वो आप यूज़ कर सकते हैं नींबू और अदरक का रस में मिला के उसका सेवन करें। या तो उससे क्या होगा कि दीपन और पाचन भी करता है, एक तो भूख को भी बढ़ाता है, भोजन को भी पचाता है, और रोग में लड़ने की क्षमता तो प्रदान करता ही है, साथ में जनरल जो भी मौसमी से परिवर्तन जो भी बीमारी होती है, सर्दी खांसी वायरल बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा फ्लू, इस तरह चीज़ों के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो ऐसा भी है क्या कि अदरक का बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ना कर ले सेवन? किसी भी चीज़ का अति सेवन जहर, किसी भी चीज़ का अति सेवन जहर, अति सेवन अमृत का भी हम सेवन करेंगे तो हमारे लिए जहर। तो ऐसा तो नहीं है इन लोगों को अदरक नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, पाइल्स के मरीज को नहीं करना चाहिए, हाइपरटेंशन के मरीज को ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। मतलब इस तरह की चीज़ है जो लगातार, जैसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है उनको भी अदरक का यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा।